टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में एक व्यक्ति ने 10 के 10 वॉन्ड्स की एक गठरी बनाकर बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ उनको इकट्ठा किया है। इसका मतलब है कि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ अपने पूरे कार्य को पूरा करने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, थक गया है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी है। ये अपनी स्टेमिना से, यानी कि जिसकी इतनी शक्ति है, उससे कहीं ज्यादा इसने अपने काम को पूरा करने के लिए मेहनत की है और मेहनत करते करते ये बहुत ज्यादा थक भी गया है। ये व्यक्ति एक साथ कई कामों को मैनेज कर सकता है, बस थोड़ा सा काम इसका और बाकी है। यानी कि ये गठरी लेकर जो अपने घर की तरफ जा रहा है, ये दर्शाता है कि इसने जो अपना काम पूरा कर लिया है, थोड़ा सा अपनी मंजिल तक पहुंचना इसका बाकी है, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अगर थोड़ा ये और चलेगा, यानी कि थोड़ी सी और मेहनत करेगा, थोड़ा सा अगर स्ट्रगल करना भी है तो वो भी अगर करेगा, तो इसको अपनी मंजिल बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा चलना बाकी है और थोड़ा सा मेहनत करना भी बाकी है। इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन इसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है और इसको दूसरों की मदद चाहिए भी नहीं, ये दूसरों की मदद नहीं चाहता है। इसके लिए यही गाइडेंस दिया जा सकता है कि अगर आप थोड़ा सा किसी की मदद लें तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे। यही कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो अब तक इसने जो मेहनत की है और अपनी मंजिल तक जो अभी तक नहीं पहुंचा है, आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा भी। और अगर इसका कोई साथ देता है, कोई हेल्प करता है, तो अभी वो जब तक हेल्प नहीं ले रहा था, रिवर्स होने की कंडीशन में हो सकता है कि ये दूसरे की हेल्प ले और इसका काम आसानी से थोड़ा सुधरने लगे और ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाए।